अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए बिजली की बिल चेक कर सकते हैं ओनली रेफरेंस कोड, या तो आप कस्टमर आईडी को इस्तेमाल करते हुए वो भी अपने मोबाइल से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। किसी भी ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना है और सिंपली यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है लेस को, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बिल लिखना है, सर्च कर लें यहाँ पे। यहाँ पे आपको सबसे पहला ये एक वेबसाइट मिल जाएगा www.lesco.government.pk, ठीक है। चेक बिल लिखा हुआ है, यानी आप यहाँ पे चेक बिल कर सकते हैं 2 दिन पहले। यानी अगर आप चाहते हैं मेरे बिल आने वाला है और मैं सबसे पहले अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए चेक करूं, तो आप चेक कर सकते हैं इसको मोबाइल को यूज़ करते हुए। अगर आपके पास कस्टमर आईडी है या रेफरेंस आईडी है तो फिर ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक इस वेबसाइट पर, और ये मेरे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज़ प्रोवाइड योर रेफरेंस नंबर, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड योर कस्टमर आईडी। यहाँ पे ये लिखें या ये लिखें, तो मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर मेन्यू पर क्लिक कर लूँगा तो बिल शो हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी इंटर कर लिया, तो मैं यहाँ पे कस्टमर मेन्यू पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने क्लिक तो कर लिया, तो यहाँ पे बता रहा है कि अब आपको क्या कर देना है, जो है एंटर कैप्चा कर लेना है। जो ये कैप्चा है वो सेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जो ऊपर क्या है, पहले ए है और फिर क्यू है, फिर सी है, फिर ई है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू प्रिंट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं। यहाँ पे आपके सामने ये प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास प्रिंट हो के आया है। तो आप इस तरह जो है अपने बिल को चेक कर सकते हैं। रेफरेंस आईडी ये लोगो है इसके नीचे ही होगा, वो आपको क्या कर देना है, वो यहाँ पे लगा देना है जो मैंने लगाया है। अगर आपके पास पहले यहाँ पे बिल मौजूद होगा तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो आप ऑफिस से जाके ले सकते हैं ये रेफरेंस आईडी। अब प्रीवियस अगर आपके पास बिल है तो वहाँ पर आप देख कर वो लगा सकते हैं। फिर आपकी जो फ्यूचर वाला जो मंथ होता है उसकी आप आसानी से बिल चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।